JK24 से जुड़ चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिल्पा शर्मा। इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, एक बस पलटी है और लगभग कई लोग इसमें जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आप ये तस्वीरें जम्मू के अरनिया की देख रहे हैं जहां पर आपको बताते चले कि अरनिया से ये बस जो है वो जम्मू की ओर आ रही थी, जहां पर ये बस बीच रास्ते में पलट जाती है और लोगों की बात करिए तो जो इस लोग में यानी कि जो यात्री इसमें सवार थे गंभीर रूप से घायल है। जहां पर मैं आपको बताती चलूं कि 9 लोग जिन्हें GMC अस्पताल में जो है वो शिफ्ट किया गया है और 6 लोगों को अरनिया के अस्पताल में जो है वो शिफ्ट किया गया है। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, देख सकते हैं किस प्रकार से ये बस जो है वो पलटी है। मैं आपको बता दूं कि अरनिया से ये बस जो है वो जम्मू की ओर आ रही थी, जहां पर ये बस बीच रास्ते में पलट जाती है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, भीषण यह सड़क हादसा पेश आया है जहां पर अरनिया से जम्मू की ओर यह बस आ रही थी और बीच रास्ते में अचानक ये बस जो है वो पलट जाती है। और भी तस्वीर आपसे साझा करेंगे। आप देख सकते हैं वहां के लोगों की बात करें, पुलिस की बात करें तो रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद रही, लोगों को बस से जो है वो निकाला गया और अस्पताल जो है वो उन्हें पहुंचाया गया। फिलहाल आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, वहां के लोगों की बात करें तो जो उस समय वहां पे लोग मौजूद थे उनका ये कहना है कि बस ओवरटेक कर रही थी जिसके चलते ये सड़क हादसा पेश आया है। फिलहाल आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये सड़क हादसा जो है वो पेश आया है। अरनिया से ये बस जो है वो जम्मू की ओर रवाना हो रही थी, जहां पर तस्वीरें आप देख सकते हैं बस की हालात क्या कुछ है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बस की हालात क्या कुछ है। अरनिया से ये बस जो है वो जम्मू की ओर आ रही थी, जहां पर बीच रास्ते में सड़क हादसा पेश आया है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इसकी बात लोगों की बात करें तो इसमें सवार जितने लोग थे यानी कि 16 लोग थे इसमें, और जिन लोगों को 9 लोगों को जो है वो GMC अस्पताल में भर्ती किया गया है और साथ ही साथ 6 लोगों को जो है वो अरनिया के अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, भीषण सड़क हादसा, अरनिया से जम्मू की ओर ये बस आ रही थी और वहां के लोगों का ये कहना है कि ओवरटेक कर रही थी ये बस जिसके चलते सड़क हादसा पेश आया है और इसमें सवार 16 लोग बताए जा रहे हैं, जो 16 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 9 लोगों को GMC अस्पताल यानी कि GMC जम्मू बख्शी नगर में रेफर किया गया है जो क्रिटिकली इंजर्ड है, और बाकी लोगों को 6 लोगों को जो है अरनिया अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर अरनिया से ये बस जम्मू की ओर रवाना हो रही थी और बीच रास्ते में ये बस पलट जाती है। लगातार सड़क हादसे पेश आ रहे हैं और कई लोग जो है वो अपनी जान भी गंवा रहे हैं, गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। और कारण केवल यह है तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, और जिस तरीके से बताया जा रहा है वहां के स्थानीय लोगों का यह कहना है, जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे उन लोगों का यह कहना है कि बस ओवरटेक कर रही थी और ओवरटेक होने के कारण बस बीच रास्ते में पलट जाती है। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। फिर मैं आपको बताती चलूं, अरनिया से जम्मू की ओर ये बस रवाना हो रही थी, जहां पर बीच रास्ते में अचानक ये बस पलट जाती है यानी कि ओवरटेक ये बस करती है। वहां के लोगों का ये कहना है जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे, वहां के लोगों का ये कहना है कि बस ओवरटेक करती है और ओवरटेक होने के कारण आप देख सकते हैं तस्वीर आपके सामने है किस प्रकार से बस की हालात आप देख सकते हैं, बस की हालात क्या कुछ है। और इसमें सवार यात्री जो इसमें सवार लोग थे वो इस समय गंभीर रूप से घायल है। 9 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल है जिन्हें GMC अस्पताल जम्मू में जो है बख्शीनगर रेफर किया गया है। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। वहां के स्थानीय लोगों की बात करें और पुलिस की बात करें, रेस्क्यू किया गया लोगों को, घायल लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया गया और अस्पताल में भर्ती किया गया। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये बस पलटी है, बीच रास्ते में ये बस पलटी है। लगातार सड़क हादसे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पर अपनी राय भी जरूर रखिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए JK24 के साथ। नमस्कार।